कर दीजिए। लास्ट पे ले जाएं, लास्ट पे जाना है, लास्ट पे जाना है। देख लो अब एडजस्ट कर लो। जी नहीं अभी भी बिल्कुल एंड पे जाना है ना, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या हो रहा है आजकल? अब तो स्कूल इंशाल्लाह ताला खुलने वाले हैं। कुछ नहीं, स्कूल की तैयारी नहीं हो रही मैम? वो तो हो गई हुई है कब से। अच्छा, क्या वैसे न्यूज़ है? स्कूल तो ओपन हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अली इसमें तो लास्ट वो नजर ही नहीं आ रहा। क्या? ओहो लास्ट तो था ही नहीं। सेवन चैप्टर कभी सुनने में आता है कि दोबारा से कुछ स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि बस अब सब चलता रहे। न्यूज़ वगैरह देखती हैं आयशा? जी मैम देखती हैं। अच्छा इंटरेस्ट है वैसे आपको थोड़ा न्यूज वाला में या नहीं? अक्सर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं देखते। नो मैम, थोड़ी बहुत अगर लगी हो तो देख लेती। मैम आपने होमवर्क चेक कर लिया मेरा? नहीं बेटा, मैंने अभी किसी का होमवर्क चेक नहीं किया, बिकॉज वी वर सो बिजी इन स्कूल नाउअडेज। अभी करूंगी, अभी वीकेंड आ रहा है, इसमें सबके होमवर्क चेक करूंगी मैं। बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ग्रेड सेवन के भी हैं, और मैंने किसी का भी होमवर्क चेक नहीं किया ना, तो इंशाल्लाह ये वीकेंड पे ना बैठ के सारा काम वाइंड अप करेंगे। एक्चुअली वी हैव टू गो टू स्कूल टू मेक योर बोर्ड्स, प्रिपरेशन हो रही है क्लासरूम्स की, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ से क्लासेस लेने के बाद हम जा रहे होते हैं ना, तो वो बस थोड़ा बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। होला Saad is here. Okay. Yes, ma'am. Okay. Saad and Taha and Ayan. अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना, उसमें नंबर ऑफ एटीपीज जो हैं वो आपने काउंट करने होंगे खुद से। अपनी अपनी बुक के ऊपर आप लिखते जाइएगा और एंड पे देखिएगा कि वाकई जो फिगर उन्होंने दिया है, जो नंबर उन्होंने दिया है, क्या वो उतना बनता है या नहीं बनता। ठीक है, समझे कि आज का जो टॉपिक है एनर्जी बजट। जी एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन ये था उसमें हमारे। जी जी no, जी जी, मैं ये पूछ कहने लगा था। हाँ उसमें नहीं है, मैंने सारा ना वो आपने जो एएलपी भेजा हुआ मुझे, मैंने उसमें से सारी बुक्स के मतलब जितना मैंने सबके टॉपिक्स मार्क कर लिए हैं, जो नहीं होने उसको क्रॉस और जो होना है उसको टिक, तो ये उसमें नहीं है वैसे एनर्जी बजट। जी आप साथ बताइए सर, आप भी हमें एएलपी से करवा रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने भी मतलब एएलपी के थ्रू सारे मैंने टॉपिक्स मार्क कर लिए हैं, ताकि नेक्स्ट, खैर हमारी तो एक बुक कवर हो चुकी है ना, लेकिन अब रिविजन के लिए हम जस्ट उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ेंगे जो कि उसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उसमें कुछ जगहों पे ना टॉपिक्स उन्होंने ऑमिट करके जस्ट टेबल्स को ले लिया, ये भी आप देखना ना जस्ट टेबल्स के थ्रू। यस मैम। जी तो अब वही उसी में से ही करेंगे मैम, ये ज्यादा उन्होंने 9th और 8th चैप्टर में किया है। जी 8th चैप्टर में भी टेबल्स लिए हैं और टॉपिक छोड़े हुए हैं ऑलरेडी, खैर हम तो पढ़ चुके थे इसलिए हमें उसका फायदा नहीं है, लेकिन रिविजन में अब हमें वी विल इंक्लूड ओनली दोस टॉपिक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन एएलपी सिलेबस। पेपर्स का क्या पूछ रहे हैं आप?
मैम तो पेपर में एएलपी से ही आएगा ना हमें. ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपके आपको बेनिफिट मिला है तो व्हाई डोंट वी नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. हम उसी को करेंगे. वैसे तो हम पूरी बुक कर चुके थे क्योंकि आप पिछले साल से स्टार्ट हुए हैं, आपको इश्यू नहीं है कंप्लीशन का, लेकिन पेपर तो बनना उसी में से ही है ना, एएलपी सिलेबस में से जो बोर्ड का आना है. तो हमारा टारगेट तो बोर्ड एग्जाम्स है, हम उसी हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह ताला. और आपके जो फर्स्ट चेक पॉइंट आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें भी लास्ट वाले चैप्टर्स ही मैंने अभी फिलहाल रखे हैं. सादिया से मेरी बात हुई थी, आई विल, वैसे आपको सिलेबस तो इंशाल्लाह मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग. आमना इज देयर इन द क्लास? उसके भी मार्क करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस. वालेकुम सलाम. तो लास्ट लास्ट के जो चैप्टर्स है ना, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिक्स चैप्टर, सिक्स टिल एंड, वहां तक पेपर जो है ना वो आपका मैं बनाऊंगा. मैम किधर तक? लास्ट चैप्टर्स बुक के लास्ट कौन कौन से हैं आपके? आई थिंक मैंने सिक्स में से सिक्स से लेके एंड तक ले गई हूँ ना, सिक्स सेवन एट नाइन फोर चैप्टर्स. लेकिन अभी फिर भी कंफर्म, अभी स्कूल से मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आई विल नॉट टेल यू एनी चैप्टर. ऑब्वियसली अभी तो मैंने वो बना के भेजा ना एजेंडा, उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाले चैप्टर्स मैं चाह रही हूँ कि आपको उसका पेपर एक दफा हो जाए जो फर्स्ट चेक पॉइंट आएगा. फिर उसके बाद इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट रेगुलर रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर. अच्छा जी स्टूडेंट्स, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? यस मैम. यस आयान, आयान से स्टार्ट करते हैं. आयान चले बताएं आज क्या पढ़ाएंगे, आज मैं कौन सा टॉपिक खोलूं आपके लिए, विच टॉपिक यू वांट टू टीच अस? चैप्टर सेवन. जी चैप्टर सेवन, इसी की रिवीजन अब हम करते हैं और जब एंड हो जाएगी फिर चैप्टर एट पे आ जाएंगे. विच टॉपिक यू वांट टू टीच, जो आप चाह रहे हैं कि हम रिवाइज में आप करवाता हूँ आप, लाइट रिएक्शन, डार्क लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और स्टार्टिंग बता दें. ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहले का. बायोएनर्जेटिक्स. जी बायोएनर्जेटिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, देन मूव ऑन टू द आगे टॉपिक आपका. इससे पहले ना थोड़ा सा इंट्रो है चैप्टर का, वो भी बता दीजिए. यस मैम. मैम एक्चुअली बायोएनर्जेटिक स्टडी होती है एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग एक खाना खाता है या प्रिपेयर करता है तो उसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी के बॉन्ड्स होते हैं और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं बॉन्ड्स क्यों बन जाते हैं पोटेंशियल आयन, व्हाई दीस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? जब आप एनर्जी लेते हो तो वो तो कंज्यूम हो रही होती है, सो व्हाई दीस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? मैम जब ये एनर्जी होती है तो ज्यादातर रिलीज हो जाती है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में एटीपी में स्टोर हो जाती है. स्टोर होने की वजह क्या है, यही पूछ रही हूँ, व्हाई वी स्टोर एनर्जी? ताकि ये बाद में हम यूटिलाइज कर सके. वेरी गुड एक्टिविटीज. जी इसलिए कि हमें सारी एनर्जी एट अ टाइम नहीं चाहिए ना, सारे दिन की एक्टिविटीज करने के लिए. खाना तो आपने सुबह खा लिया, उसके बाद छह घंटे का ब्रेक आ जाता है मोस्टली, तो जो ब्रेक टाइम है सिक्स आवर्स का, उसके लिए एनर्जी आपको स्टोर कर लेनी करनी पड़ती है ताकि छह घंटे हम रिमेनिंग गुजार सके. जी जी आगे चलिए. अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का. अच्छा जी, बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी. तो बायो एनर्जेटिक्स तो आपने बता दिया, आयन के वी नीड एनर्जी फॉर आवर डिफरेंट एक्टिविटीज. तो जितना भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का काम आएगा, एनर्जी एक्सचेंज का काम आएगा, उसके लिए जो टर्म यूज हो रही है इट्स नोन एज बायो एनर्जेटिक्स. एंड उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. और एनर्जी, वॉट इज ए टी पी? ए टी पी का स्पेशल नाम क्या है? ए टी पी इज द एनर्जी. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है.
अच्छा ये तो इसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं. बेसिकली दिस इज एनर्जी करेंसी. साथ व्हाट डज इट मीन बाय एनर्जी करेंसी? करेंसी क्यों बोला जा रहा है इसे? मैम जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है और जो यूज होती है वो भी एटीपी के फॉर्म में होती है. आई शैल लेफ्ट द क्लास. यस मैम. आयशा से मैं पूछ रही हूँ. आयशा इज नॉट इन द क्लास. स्टूडेंट्स आपको पता है अटेंडेंस हमें इंस्ट्रक्शंस है कि बिल्कुल एंड पे लगानी होती है, ठीक है, लेक्चर एंड होने पे. तो इफ एनीबॉडी लीव्स द क्लास फिर उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. तो आई डोंट नो. चलें ठीक है. तो एनर्जी करेंसी जी, इसलिए आपने जी साथ बताइए. सॉरी क्या आप एक्सप्लेन कर रहे थे? व्हाट डज एनर्जी करेंसी मीन? मैम एनर्जी करेंसी यानी जो भी सारा कुछ होता है वो एटीपी के होता है. जिस तरह अब करेंसी होती है सारा जो भी लेना होता है और देना होता है वो उसी करेंसी में होता है. इस तरह जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है और जो एनर्जी स्टोर होती है जो भी यूज होती है वो भी एटीपी के फॉर्म में ही होती है. और जैसे आपके पैसे कभी आपके पास कभी 1000 का नोट है उसे आपने कुछ लिया तो चेंज मिल जाता है ना, तो पैसे जो है वो थोड़े उसमें आ जाते हैं. तो एटीपी का भी यही है कि जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी इट कन्वर्ट्स इनटू एडीपी एंड एएमपी, है ना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट, यानी कि ये चेंज होके छोटे उसमें चले जाते हैं यूनिट में. तो जब जरूरत हो तब ऐसे होगा, जब एक्स्ट्रा स्टोर हो रही हो तो फिर छोटा यूनिट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है बड़े यूनिट में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में. यानी कि पैसों की तरह ये भी कभी ज्यादा हो रही होती है कभी कम. So it's known as energy currency. Ji Ayan, this is your main topic to explain. Yes, ma'am. Ji ji, इसको explain कीजिए oxidation reduction को. Ma'am, सारे living organisms में ना oxidation reduction से एक direct source of supply of energy होते हैं. एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन का वैसे तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हाथ से भी एक्सचेंज होता है, मगर वैसे यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहेंगे. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, ठीक हो गया. अच्छा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी सोर्स भी बन सकते हैं, मगर वो उनकी लोकेशंस और अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है. एनर्जी ही रिलीज करते हैं या अब्सॉर्ब करते हैं होती है और एक अनस्टेबल एसोसिएशन होती है. जिनके इसमें थोड़ा सा आप केमिस्ट्री को डाल रहे हो बीच में एटम के स्ट्रक्चर में, अनस्टेबल एंड स्टेबल एसोसिएशन ऑफ बॉन्डिंग. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में आपने क्या क्या बताया तो वो स्टेबल एसोसिएशन होंगे और एक गुड एनर्जी सोर्स नहीं होंगे, मगर अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगी और वो कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा स्टेबल एसोसिएशन होता और वो रिएक्टिव होगा. ठीक, इट मींस व्हेनेवर देयर इज रिडॉक्स रिएक्शन वी गेट एनर्जी. ठीक है ना, जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होगी एंड वी यूज दिस एनर्जी फॉर आवर डिफरेंट एक्टिविटीज. ठीक हो गया, आ जाते हैं आगे. और यस ताहा, ताहा बेटा एक्सप्लेन दिस डायग्राम. साथ ताहा मैं कर रहा हूँ. जी मैं कर रहा हूँ. जी जी हम ना बेटा इसको और से देखिएगा, आप सुन लें ताकि आपकी रेपिटेशन हो जाए. मैम ये डायग्राम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसमें ये दिखाया हुआ है कि हीट हर स्टेप में लूज होती है. ठीक है, सबसे पहले CO2 की रिडक्शन होती है और वो CO2 की रिडक्शन होती है और वो फूड बनाता है CHO. ठीक है, उसके बाद वो जो उस फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो ताकि एनर्जी रिलीज हो सके और जो एनर्जी होती है वो ATP के तौर पे स्टोर की जाती है. ठीक है, और ATP और जो वो P का एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. मुझे ताहा ये बताइए, ताहा बेटा टेल मी इन द फर्स्ट स्टेप व्हिच प्रोसेस इज गोइंग ऑन जिसमें इनपुट ऑफ एनर्जी मिल रही है. इट्स अ
सनलाइट एनर्जी ना, तो ये कौन सा स्टेप हो रहा है जिसमें सनलाइट एनर्जी इज एंटर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सा प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, क्या महसूस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है? फोटोसिंथेसिस. वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस. उसके रिजल्ट में ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड शो किए गए हैं, तो ये क्या बना होगा यहाँ पे, व्हाट विल प्रिपेयर ओवर हियर? फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज. यस, ग्लूकोज. दिस इज बेसिकली ग्लूकोज. तभी उन्होंने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक जनरल वो दिखा दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें बेसिकली फूड बन चुकी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है, इसीलिए इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है. जो अभी आप बात कर रहे थे ना, एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, वो यहाँ हो चुकी है, ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चले. आगे क्या होगा मैम? इसकी ऑक्सीडेशन होगी. किसकी? फूड की मैम? मैम ग्लूकोज की. ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कौन से प्रोसीजर में जाना पड़ता है? मैंने हिंट दे दिया आपको, ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही है, नीचे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन. यस, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिलेगी ना, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बाय रेस्पिरेशन, तो साथ ही ऑक्सीजन मिलेगी, साथ ही फूड की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी. जी. और मैम वो फिर आगे जो एटीपी स्टोरेज यानी एनर्जी जो होती है इस्तेमाल, वो जो यानी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है? नहीं बेटा, अब यहाँ पर एटीपी ब्रेक डाउन होगा, यहाँ तो बना है ना एटीपी, यहाँ पे एटीपी बहुत सारे बन जाते हैं जब हम फूड प्रोसेस हुआ, बन गए एटीपी, यहाँ बन गए ऑक्सीडेशन में, तो एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट ग्रुप में ब्रेक हो जाएगा. एटीपी यहाँ पर पहले तो ब्रेक होंगे, हीट एनर्जी निकलेगी, हम अपने डिफरेंट काम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपने अभी जैसे हमने आगे देखा था एटीपी बन भी रहे हैं, तो एटीपी जो ब्रेक होंगे वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे, तो एटीपी कंबाइन विद फॉस्फेट एंड अगेन एटीपी आर रिस्टोर्ड, ठीक है. चलें आगे, चलें आगे क्या होगा, नेक्स्ट बताइए. मैम आगे यही एनर्जी हम लोग वो काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैम मैम जैसे अब केमिकल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी कहाँ कहाँ हो रही है बॉडी में, कोई एग्जांपल दे दीजिए. मैम सेल्स के, सेल लेवल पे चले जाओ, सेल लेवल पे चले जाओ, सेल लेवल पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी ना, जैसे कि हम जब फूड खाते हैं तो फिर थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, वो सारे ब्लड में जाएंगे, ठीक है, और उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ हो रहा है, ठीक है. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा, व्हाट डज मेंटेनेंस मींस? मेंटेनेंस बेटा आपकी बॉडी को अगर जरूरत है रिपेयर की. मैम वो जैसे अगर मैम कोई चोट वगैरह या जो हमारे सेल वो हो जाते हैं उतरते हैं साथ में, जैसे जी 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 उनको रिपेयर किया. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपको अगर कोई इंजरी हो गई है या आप कोई डिजीज आ गई है जिसकी वजह से सेल्स आपके डैमेज हो गए हैं, तो वो सेल्स की मेंटेनेंस साथ साथ सेल्फ मतलब आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं सेल्स ऑटोमेटिकली. रेड ब्लड सेल्स देखिए बनते भी हैं, टूटते भी हैं डेली, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी. चलें जी आगे चलते हैं. केमिकल सिंथेसिस में वो ये कि डिफरेंट बॉडी में केमिकल्स जो हैं वो बन रहे हैं. ओके आमना, आर यू देयर? हेलो
आमना इज नॉट इन द क्लास आई थिंक. आमना इधर ही है बेटा? जी मिस. जी बेटा एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर. एक एटम है उसके साथ. जी नीचे जो ये जो ए है इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं? मिस लॉस हो रहा है यहाँ पे. लूज हो रहा है जी. ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हो रहे हैं. ठीक है तो ऑक्सीडेशन हो रही है. और सेकंड में क्या हो रहा है? वेरी इजी. सेकंड में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू बताया गया है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. अच्छा और ये एटीपी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? फर्स्ट ये एमसीक्यूज में आता होता है, स्टूडेंट्स इसको मार्क कर लें एज एन इम्पोर्टेंट. ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है. किसने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था? क्या नाम है इसका साथ? कार्लोमैन. 1929 में एटीपी स्पेस ने काम किया था और इसको डिस्कवर किया था. ये आगे क्यों नहीं जा रहा हमारा? जी साथ नेक्स्ट पे आप आ जाओ. मैम ये वाली जस दिस वन, इसको आप डिस्क्राइब करोगे. वो कहाँ पर है, क्या से कहते हैं? आयान बेटा आप किसके बाद आपकी टर्न आएगी. द नेक्स्ट डायग्राम उसको आप बेशक देख भी लो साथ साथ बुक से. जी साथ. मैम ये एक एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर थ्री सब यूनिट्स होते हैं. फॉस्फेट ग्रुप, एडिनाइन और राइबोस. ठीक है राइबोस से एक फाइव कार्बन शुगर होती है. ठीक है मैम ये जो टॉप पे है उसका उधर एक ऑक्सीजन, बाकी फोर साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है. और ये कार्बन 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 ऊपर ऑक्सीजन. मैम कार्बन लगाता है सर. कार्बन कार्बन नंबर फाइव कार्बन. और मैम ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इससे थोड़ा सा नीचे ये जो लाइन है इस पे फिफ्थ कार्बन लगा होता है. मैम ये डबल रिंग एडिनोसिन, ये एडिनाइन डबल रिंग एडिनोसिन है. ठीक है ये बेसिकली है क्या, न्यूक्लियोटाइड है? यस मैम बेसिकली दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. जी नाइट्रोजन इसमें एक्चुअली नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे ना, न्यूक्लियोटाइड है ये. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप इसमें अटैच होंगे. ठीक है आगे चले. मैम ये फॉस्फेट ग्रुप्स है. ठीक है मैम इन्हें एक ये टाइल्ड के साथ कनेक्टेड है. मैम जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो ये फॉस्फेट ग्रुप में से एक इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है और फिर 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी क्या कहते हैं रिलीज होती हैं. और मैम ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है. हाई एनर्जी इसीलिए इसको टिल्ट की फॉर्म में दिखाया गया है ना, ऐसे टिल्ट और बॉन्ड सीधा नहीं है. ये भी क्वेश्चन आता था व्हाई बॉन्ड फास्फेट टू फास्फेट बॉन्ड इज टिल्टेड. तो उसका आंसर क्या है? बिकॉज इट इज हाई एनर्जी बॉन्ड सो इट शोज एज टिल्टेड फॉर्म, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी. अच्छा जी. अच्छा ये आयान बेटा प्लीज एक्सप्लेन दिस कन्वर्जन. कब कब ए एम पी बनेगा, कब ए टी पी बनेगा, कब ए टी पी बनेगा? ओके मैम आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, आपके आपके नाम जो है ना वो बड़े अनक्लियर होते हैं. तो आप बोलो बोलो बार बार तक क्या यू प्रोनाउंस दीज नेम्स अगेन एंड अगेन. मैम एटीपी एडीपी तब बनेगा जब उसके अंदर 7.3 कैलोरीज का जो प्रोटीन है वो चला जाएगा, जो यूटिलाइज हो जाएगा. और ये बहुत कम केसेस में देखने में आया है कि एएमपी भी ब्रोकन डाउन होता है, मगर एएमपी भी सम जब एनर्जी एक्सट्रीमली चाहिए होती है तो इस वजह से फिर दोबारा से वैसे अमाउंट अलग होती है, मगर वैसे जो एक सर्टेन अमाउंट है वो 7.3 प्रोटीन्स कैलोरीज ही है. इस वजह से वो फिर एटीपी से वो भी चली जाती है, वो एएमपी बन जाता है. इस तरह ये बढ़ भी जाते हैं क्योंकि इनको अपने वो थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स रीगेन करना इनके लिए बहुत जरूरी होता है. इसलिए करते क्या है फिर एएमसीपी से 7.3 प्रोटीन जो खाने से इनको मिलती है तो वो उनको में से ऐड करके एएमपी में एडीपी बन जाता है और एडीपी में फिर 7.3 कैलोरीज प्रोटीन्स ऐड हो के वो एडीपी बन जाता है.
वेरी गुड, इसका नाम पूरा लेके दिखाइए, फुल नेम। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यस। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। वेरी गुड, ठीक हो गया, चलते हैं आगे। अच्छा ये देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एटीपीस चूंकि एनर्जी जब से हमारी बनी है लाइफ तब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट इज अ वाइटल, सो वो कहने के जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ना ये अर्ली लाइफ हिस्ट्री में भी मौजूद होगा कहीं, हमने तो अब डिस्कवर किया है ना कार्ल लॉमन ने, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत पहले का मौजूद होगा दुनिया में। अच्छा जी आमना बेटा अब आप इसको, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन ऑफ व्हाट, व्हाट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा केमिकल इक्वेशन है जी, फोटोसिंथेसिस। अच्छा फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीजें, फोटोसिंथेसिस मीनिंग क्या है फोटोसिंथेसिस का, फोटो मींस मींस फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स में है। अच्छा जो ग्रीन फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो फोटो मींस लाइट, मींस लाइट लाइट, एंड सिंथेसिस मेकिंग, to make something, synthesis means making, photosynthesis making of something in the presence of light, ji amna ji ji, acha explain kijiye ise is equation ko, means isme hai ye six carbon hai, ye six carbon hai, this is only carbon, No, miss, oxygen. हाँ तो इकट्ठा क्या, कौन सी गैस बन गई, कौन सी गैस बन गई आमना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जी, इट कंबाइंस विद वाटर, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एनर्जी लाइट, और ये सारा प्रोसीजर होगा कहाँ, कौन से पार्ट में हो रहा है, कौन से ऑर्गेनेली में हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है, ठीक है प्लास्टिड्स। अच्छा जी आगे चलते हैं, प्लास्टिड्स इज बेसिकली ऑर्गेनेली, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, ठीक है इसलिए उन्होंने यहाँ क्लोरोफिल लिख दिया है, लेकिन क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में। अच्छा उससे बन क्या रहा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, हरिया पामना बेटा क्या बन रहा है इन सबके मिलने से, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, ग्लूकोज, ग्लूकोज आयन पढ़ा रहे हैं आमना को, ओके ग्लूकोज बन रहा है। अच्छा जी ग्लूकोज के साथ बाय प्रोडक्ट भी है कुछ, ये तो हमारे काम की चीज है, हमें ये चाहिए बहुत जरूरी, ऑक्सीजन काम की है वैसे तो। जी क्या कह रहे हो आमना, ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है, हाँ जी ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट साथ रिलीज हो जाता है विच रिफ्रेश द एनवायरनमेंट। देखे ना प्लांट्स अब कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, हमें फूड भी दे रहे हैं साथ साथ साफ सुथरी ऑक्सीजन भी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि हवा में अगर पोल्यूशन हो रही है तो उसको क्लेरिफाई कर सके वो, ठीक है और साथ वाटर भी बन रहा है बेसिकली बेटा, ये जो ये इक्वेशन जो है ना इसमें यहाँ पे सिक्स सिक्स लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर हर एक के साथ बैलेंस करने के लिए ना सिक्स का नंबर चल रहा है, ठीक है सो डोंट बी कंफ्यूज ऑन इट। ये मेरा टॉपिक था वाटर एंड इंटेक, मुझे लग रहा है ये नहीं था इंटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नो मैम ये नहीं था, हाँ ये नहीं था, मैंने ना अभी परसों ही बैठ के पूरे जो आपने मुझे भेजा हुआ था ना एक एक टॉपिक मैंने मार्क किया उसके ऊपर, जो कट थे उनको क्रॉस किया जो है उनको टिक लगाया। चले जी मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, कितना टाइम रह गया बेटा क्लास में, अच्छा स्टूडेंट्स ऐसा है मंडे वाले दिन बताइए आप क्या करोगे, मुझे आप बताइए विच टाइप ऑफ एक्टिविटी यू वांट टू डू, क्योंकि अब रिविजन ही करनी है हमने, कुछ नया नहीं पढ़ना, बट इट डजंट मीन कि कोई काम नहीं बचा करने को, काम बहुत सारा है, आप बता दो क्या करना चाहिए, इसी तरह से पिक्चर वाइज डिस्क्रिप्शन चले या आपका कोई टेस्ट ले लूं जो क्विज बना हुआ होता है, पिक्चर वाइज डिस्क्रिप्शन सही है,
और वो जो MCQs भी वैसे साथ साथ लेने चाहिए, MCQs से जरा आइडिया हो जाता है आपको आंसर्स देने आ रहे हैं कि नहीं। ये तो ठीक है, ये भी मैं एक सेशन ये भी चलाऊंगी साथ, ठीक है। क्विज रख लेते हैं मंडे वाले दिन, जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन और MCQs का कर लेते हैं क्विज। जी हाँ जी, MCQs प्लस पिक्चर डिस्क्रिप्शन का हो जाएगा। चैप्टर 7 ही ले लें अभी, आगे से अभी तक वही खत्म किया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। आई विल ऑल्सो मेंशन दिस इन द ग्रुप कि देयर इज अ क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 7, फुल ले लूंगी मैं चैप्टर नंबर 7 उसके, और MCQs थोड़े ज्यादा होंगे इस दफा, दो दो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो टाइम ही टाइम है, पूरा पीरियड है हमारे पास। उस वक्त तो होता था ना, पढ़ाना भी है तो छोटा सा क्विज ले रहे हैं, तो MCQs का मैं नंबर बढ़ा दूंगी। तो हर बच्चे का सेपरेट एक टेस्ट होगा या कलेक्टिवली मैं ले लूंगी MCQs बहुत सारे और मैं पूछती जाऊंगी वन बाय वन। उससे ये कि आपका MCQs भी क्लियर होंगे साथ साथ और पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी चलेगी, ठीक है जी। ट्यूसडे को लेंगे या मंडे को? मंडे कर लेते हैं, अब तो हमने पढ़ना तो नहीं है ना कुछ नेक्स्ट, अभी मंडे ट्यूसडे को ले लें, मंडे को तैयारी वैसे ही कर लेंगे। क्यों मंडे को, क्या कोई खास काम है? नो मैम वैसे ही है, वीकेंड्स पे वैसे ही मैंने देखा बच्चे थोड़े वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना, पढ़ते कम है। करते क्या वैसे वीकेंड्स पे, बताएं तो सही क्या क्या चलता है घर में, मतलब क्या एंजॉय करते हो, बाहर चले जाते हो कहीं? नो मैम। फिर घर में रह के एंजॉय करते हो वीकेंड्स पे? ना वीकेंड पे भी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा तो फिर मंडे को टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा बेटा तो कह रहा होता है वीकेंड्स आर चीट डेज, ये हमारे चीट डेज हैं, मतलब कि इसमें आप जो मर्जी करो, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि हमने ये काम इतने बजे करना है, इतने बजे करना, वो चीट डे है, चीट करो टाइम को। अयान आप क्या करते हो बेटा वीकेंड्स पे? मैम सिर्फ पढ़ता हूँ। ओह वेरी गुड, कितना अच्छा जवाब मिल रहा है मुझे, बिल्कुल बुकिश आंसर है, जैसे किताबों में होता है ना, बच्चे हर वक्त स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। आमना आप बताओ आप क्या करते हो वीकेंड पे? किसी की कोई एक्टिविटी नहीं है, किसी ने कोई मजे का आंसर नहीं दिया मुझे। मिस कुछ भी नहीं करते। कुछ तो करते होंगे घर में, या कहीं बाहर जाते होंगे, रिलेटिव्स की तरफ जाते होंगे, या घर ही रहते हैं बस, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया। जी अच्छा, कभी कभार नानो के घर। वही ना, वीकेंड पे यही होता है कि थोड़ा सा दिल चाह रहा होता है बच्चों का स्पेशली कि वी शुड चेंज और रूटीन, तो उसमें कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं, कुछ करना है हमने। चले फिर बता दें, ट्यूसडे वाले दिन कर लें टेस्ट, ट्यूसडे? यस मैम। ठीक है आमना बेटा, आप ही अब ये वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी मैसेज, और बेटा आमना मुझे अब आपका अब मतलब ऐसा नहीं है कि डबल डबल काम चल रहा है, बस अब रिवीजन है, तो रिवीजन में आप अपने पेपर्स की तैयारी कर लो, ठीक है, प्रिपेयर होके आना आपने अपने क्विज के लिए, क्लियर? ओके। आयशा से तभी मैं पूछती हूँ ना व्हाई शी लेफ्ट अर्ली, अभी उससे मैं बात करती हूँ, बड़े आराम से उन्हें हुआ कि आज पढ़ना नहीं है तो बस क्लास को छोड़ देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चले जी, हु विल डिस्क्राइब दिस, लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं उसमें, ताहा से करवा ले, वेयर इज ताहा? यस सर, यस मैम। जी ताहा प्लीज, ये कौन सी पिक्चर है, इसको आप गेस कर सकते हो? मैम लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस दिखा रही है। जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, थोड़ा सा लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दें। मैम लाइट रिएक्शन
जब क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे पास करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो लाइट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी को भी ब्रेक डाउन करते हैं. अब ये जो H2O दिखाया हुआ है कि ये लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है और बाय प्रोडक्ट O2 है, ठीक है, और जब ये लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और हाइड्रोजन एटम्स जो वाटर के होते हैं, ठीक है, वो क्लोरोफिल को ना वो देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आयंस बन जाते हैं. यहाँ पे आए, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स जो बनते हैं सेपरेट होते हैं वो यहाँ रिडक्शन में काम आ जाते हैं टू रिड्यूस द NADP इनटू NADPH. ये देखें यहाँ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई ना एज ए बाय प्रोडक्ट, तो जो हाइड्रोजन बचे थे वो NADP की रिडक्शन में इस्तेमाल हो गए. मैम डार्क रिएक्शंस में NADP+ और NADP+ वो एक फास्फेट ग्रुप वो मिला नहीं, बस अभी आपने लाइट रिएक्शन तक ही रहना है बेटा, अभी लाइट रिएक्शन तक ही रहना है. लाइट रिएक्शन के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए आपने, मुझे लग रहा है कुछ पॉइंट्स रह गए हैं. और मैम उसके बाद जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ATP की प्रोडक्शन के बाद और जो हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं जो पहले H2O में होते थे, ठीक है, वो NADP की रिडक्शन NADPH में रिडक्शन करने के लिए काम आते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स टोटल 4 पॉइंट्स हैं इसके, तो सारे पॉइंट्स तहा कर चुके हैं, क्लियर, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर. यस मैम. साथ बेटा इसे रीड करें ताकि ये जो पॉइंट्स उन्होंने ऊपर बताए हैं देखते हैं कि यही पॉइंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं लिखे हुए. The summary of events of light reaction is as follows. When chlorophyll molecules absorb light, their energy level increases and their electrons are emitted. Electrons are passed through electron transport chain to produce ATP. Light also breaks water molecule, photolysis and oxygen is photolysis. The hydrogen atoms of water give electrons to chlorophyll and become ions. The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ion of water are used for reduction of NADP+ into NADPH. Electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions. ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया. चलें जी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में we will have a quiz of chapter number 7. Next class में तो ना बनाना. जी Tuesday, ठीक है? Okay ma'am. चले, okay जी, Allah Hafiz all of you, Allah Hafiz. अच्छा जी. आमना बेटा आयशा को बता दीजिएगा आई हैव मार्क्ड एब्सेंट फॉर हर.